हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्यों होती है, एरोबिक है, एनएरोबिक है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो, वो हमारा टॉपिक रह गया था अधूरा, जिसे हम करेंगे आज पूरा। सो, रेस्पिरेशन को लेके हम बात करते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में रेस्पिरेशन अलग ढंग से होता है, एनिमल्स में अलग ढंग से होता है, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किस तरह होता है, पूरी इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, रेस्पिरेशन के कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो, जब भी हम रेस्पिरेशन का नाम लेते हैं, हमें लगता है कि सांस लेना, पर वो होता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक होल प्रोसेस है जो कि आपके नाक से शुरू होकर आपकी बॉडी के हर सेल तक खत्म हो जाता है। सो, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन होगा 3 स्टेप्स में। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में। हमने बाहर से ऑक्सीजन को गेन किया, सो, वो क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? जब हमारे टिश्यू सेल्स हमारे ब्लड से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट, हमारी सेल्स के बाहर रहता है ब्लड, सो, वहां से जब ऑक्सीजन को गेन करते हैं वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद तीसरा रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर एंटर कर चुकी है और उसने हमारे फूड को ऑक्सीडाइज्ड कर दिया है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सो, वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये तीनों स्टेप्स है। सबसे पहले हम बाहर से एयर लेते हैं जो हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और ब्लड ट्रांसफर करता है हमारी सेल्स को और जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, राइट? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आपको, आपने बहुत बार सुना होगा कि पौधे सांस लेते हैं, पर पौधे सांस कैसे लेते हैं? उनके पास तो कोई नाक नहीं होता। दे आर टेकिंग गैसेस और एक्सचेंजिंग गैसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ना, आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां लिंक प्रोवाइड किया हुआ है मेरी दूसरी वीडियोस का। डिफ्यूजन क्या है? किसी भी गैसेस का मूवमेंट, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड का मूवमेंट कहां से? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिफ्यूजन। बाहर गैसेस ज्यादा हैं, पौधे के अंदर गैसेस कम है, तो बाहर से डिफ्यूजेस हो जाती हैं गैसेस पौधे के अंदर। अब पौधे के कौन कौन से हिस्से से रेस्पिरेशन होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की, जो कि जमीन के अंदर होती हैं, जिनको आपने सुना होगा कि प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं, ताकि जो सॉयल है वो इरिगेटेड हो सके, है ना, उसमें हवा आ सके, ताकि जो सेल्स, जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज कर सके। उसके अलावा स्टेम्स। स्टेम्स आपने देखी होगी कि किसी भी पौधे की बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है और उस हार्ड कवरिंग पे कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स। दीज लेंटिसेल्स आर हेल्पिंग इन एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। लीव्स में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा के 2 गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स टाइमली ओपन और क्लोज हो जाते हैं और जो ये बीच का होल होता है ये है स्टोमेटा, जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट? तो एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में किस तरह गैसेस का एक्सचेंज होता है? डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता है। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अमीबा। अमीबा आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सो इसका जो बॉडी सरफेस है, आउटर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहीं से गैसेस डिफ्यूज हो जाती हैं, वहीं से गैसेस डिफ्यूज हो जाती है। अर्थवर्म में अगर हम बात करें सो ये होता है स्किन के थ्रू, इसीलिए अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है, जिससे कि वो डायरेक्ट एक्सचेंज कर ले गैसेस को, ठीक है। और फिशेज में होते हैं गिल्स, सुना होगा ना, गलफड़े जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। फिश का जो शेप होता है ऐसा, उसके दोनों साइड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिन्हें बोलेंगे गिल्स, और ये एक कवरिंग से कवर्ड होते हैं जिसे बोलेंगे हम ओपराकुलम,
क्या बोलेंगे? ऑपराकुलम। जब भी वॉटर करंट फिश के बॉडी के अंदर जाता है, पानी फिश की बॉडी के अंदर जाएगा, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को फिश का ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें निकाल देगा अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। सो वॉटर करंट की हेल्प से ही डिफ्यूजन हो जाता है ऑक्सीजन का, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रास होपर। ग्रास होपर में छोटे छोटे इनके स्किन के ऊपर छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पायरेकल्स। और इन छेद का पूरा नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और इस पूरे नेटवर्क के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम। कभी भी वन मार्क के क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ग्रास होपर। इवन ग्रास होपर के अलावा कॉकरोचेस, एंट्स, हाउस फ्लाई सब कहां से रेस्पायर करते हैं? थ्रू स्पायरेकल्स। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर रेस्पायरिंग थ्रू स्पायरेकल्स, राइट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हम सांस कैसे लेते हैं? वेरी इजी? नहीं, इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। हमारे सांस लेने के लिए बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, हम सांस कहां से लेते हैं? हमारे ये बाहर जो नथुने बने हुए हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बने हुए हैं, इनके थ्रू हमने बाहर से गैस को लिया अपने अंदर। उसके बाद गैस जाती है हमारे इस कैविटी में, नेसल कैविटी में। अब गैसेस में हम लोगों ने यूं तो अपने फिल्टर नहीं लगाया हुआ ना नोज में कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हर गैस जाएगी हमारी नोज के अंदर। जब नोस्ट्रिल्स के थ्रू गैस अंदर चली जाएगी तो कहाँ आएगी? नेसल कैविटी में। अब इस गैस के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, बैक्टीरियाज भी होंगे, वायरसेस भी होंगे जो डिजीज कॉज करते हैं। सो हमारे नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। वो क्या करेगा? हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक देंगे और म्यूकस बाहर से आने वाले बैक्टीरियाज को, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेगा। तभी आपने देखा होगा आपके नोज में से कुछ ब्लैक ब्लैक गंदा गंदा निकलता है, जो कि निकालना जरूरी होता है, जो कि डस्ट क्रिएटेड होती है। सो उस टाइम पे हमें क्लियर करना होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फैरिंग्स। फैरिंग्स किसे बोलेंगे? जो हमारी फूड पाइप और विंड पाइप, हमारी जो खाने की नली और सांस लेने की नली का एक कॉमन पैसेज होता है, उसे बोलेंगे हम फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स है हमारा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स एक डब्बा जिससे कि हम वॉइस निकालते हैं। इस वॉइस बॉक्स के थ्रू जब भी एयर अंदर जाएगी, सो इसके जो फ्लैप्स हैं वो हिलेंगे और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैं बात कर रही हूं तो बात करते हुए वॉइस अंदर जा रही है और अंदर की वॉइस फोर्सफुली बाहर आ रही है, जिससे कि वो फ्लैप्स वाइब्रेट कर रहे हैं और वॉइस का सेक्रेशन हो रहा है, राइट। वॉइस बॉक्स के बाद एयर एंटर करती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया की सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे हमारी विंड पाइप, जिससे कि हम सांस लेते हैं। सांस लेने वाली नली आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एंटर करेगी हमारे दो लंग्स में, हमारे दो लंग्स में एंटर करेगी ब्रोंकाई। लंग्स में जाकर ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगी ब्रोंक्योल्स में। इसमें डिवाइड हो जाएगी ब्रोंक्योल्स में और ब्रोंक्योल्स आगे चले के डिवाइड हो जाएंगे एल्वोलाई में। इसमें एल्वोलाई में, एल्वोलाई का काम क्या है? एल्वोलाई का काम होता है गैसेस को एब्जॉर्ब करवाना हमारे ब्लड में, जो हम डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आया डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक मस्कुलर लेयर होता है जो हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे ही हमने इनहेल किया तो इनहेल करते हुए हमारे लंग्स ने एक्सपेंड किया, हमारे लंग्स फैल गए, उन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत है कवर करने के लिए। तो जैसे ही हमारे लंग्स फैल जाते हैं, सो डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है ताकि स्पेस प्रोवाइड हो सके लंग्स को, ठीक है। सो डायफ्राम का ये काम होता है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है, सो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं।
पिग में रेस्पिरेशन एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसमें थ्री स्टेप्स आते हैं. सबसे पहला स्टेप है इनहेलेशन. इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना. सांस को अंदर लेना. मैं अभी लंग्स का डायग्राम बनाऊंगी जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. बहुत ही इजी डायग्राम होता है लंग्स का. सो एग्जाम में अक्सर आता है. हमेशा आपका राइट लंग लेफ्ट लंग के कंपैरेटिवली थोड़ा सा शेप में अलग होता है. मैंने यहाँ पे ये ग्रूव क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हमारा दिल यहाँ प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा ग्रूव बनाया है. और लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बाहर होता है एक लेयर, ताकि कोई भी झटका, कोई भी शॉक सीधा लंग्स को अफेक्ट ना कर सके, जिसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सैक. क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सैक. ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएंगी और पतली ब्रांचेस में, जिन्हें हम बोलेंगे ब्रोंकी. आगे जाके डिवाइड हो जाएंगी ब्रोंकियोल्स में और फिर बन जाएंगे छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर. और इन छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे एल्वोलेई. क्या बोलेंगे? एल्वोलेई, राइट. अब बात कर रहे थे हम इनहेलेशन की. जब भी ह्यूमंस इनहेल करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो क्या होगा, उसके लंग्स एक्सपेंड करेंगे, बाहर की तरफ खुल जाएंगे और डायफ्राम जाएगा नीचे की तरफ. डायफ्राम जाएगा नीचे की तरफ ताकि प्रॉपर एयर मिले इनहेलेशन के लिए, हवा को भरने के लिए. अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, सो प्लीज इसको पेन और पेपर लेके अपना नोट डाउन कीजिएगा. जब भी एयर अंदर एंटर करती है तो एयर डिवाइड होके जाती है दोनों लंग्स में. लंग्स में जाने के बाद पहुंचती है एल्वोलेई में. एल्वोलेई का जो सरफेस होता है वहां पर लगे होते हैं छोटे छोटे हमारे ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी? ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स किससे बना हुआ होता है? रेड ब्लड सेल्स बना हुआ होता है आपका हीमोग्लोबिन से. हीमोग्लोबिन क्या है बेसिकली? हीमोग्लोबिन वो पार्टिकल है, वो एलिमेंट है जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर होता है रेड, राइट. अब आपने देखा, मैंने आपको पहले पैसेज समझाया था कि हमारे नॉस्ट्रल से गई एयर नेसल पैसेज में, नेसल कैविटी से गई हमारे फैरिंग्स में, फैरिंग्स से गई लैरिंग्स में, लैरिंग्स से आई हमारी विंड पाइप में, विंड पाइप से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से एल्वोलेई में, और एल्वोलेई से कहां एंटर हो गई हमारे ब्लड में. ब्लड में क्या था? आरबीसीज. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारे नोज में कोई फिल्टर नहीं है जो कि सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं है ना. सो वो फिल्टर यहां है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक्चुअली में एक आयरन कंबाइन होता है ग्लोबिन प्रोटीन से. एक आयरन अपने साथ चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है. एक आयरन मॉलिक्यूल अपने साथ चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, राइट. सो जब भी एयर एल्वोलेई के कांटेक्ट में आएगी, ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आएगी, सो ये कैपिलरीज क्या करेंगी? सिर्फ हीमोग्लोबिन को एक्टिवेट करेंगी. और हीमोग्लोबिन क्या करेगी? अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगी, राइट. ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद, फोन कट करना, ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई हो जाएगा. पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई हो जाएगा और ब्लड के सप्लाई के बाद ये आयरन डिफ्यूज कर देगा इस ऑक्सीजन को सेल्स के अंदर, राइट. ये है प्रोसेस इनहेलेशन का. अब ऑक्सीजन अंदर चली गई, सेल्स के अंदर चली गई. सेल्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा? सेल्स के अंदर जाने के बाद होगा सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होंगे. गैसेस एक्सचेंज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप है. गैसेस एक्सचेंज में क्या होगा? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है? ब्लड वेसल्स में, और सेल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन
कम है. सो ब्लड वेसल से सेल्स में ऑक्सीजन एंटर करेगी. ब्लड वेसल से सेल में ऑक्सीजन एंटर करने के बाद क्या होगा, ये कंबाइन होगी ग्लूकोज के साथ. ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी सो ये कन्वर्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में. एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू इवेपोरेशन निकल जाएगा. अब आप देख सकते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां बन गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने से, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनने से क्या होगा कि ब्लड यहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी सेल के अंदर और वो हो जाएगी डिफ्यूज आउट. कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी आपके ब्लड में, राइट. आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाने के बाद अब आपका ब्लड वापिस से इसको लेके जाएगा आपके लंग्स के पास. अब क्या है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है. सो क्या होगा, वापिस से एल्वोलाई को दे दी जाएगी, एल्वोलाई से आ जाएगी हमारी विंड पाइप में और विंड पाइप से हमारे नोज के थ्रू बाहर चली जाएगी. ये प्रोसेस है एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन प्रोसेस नॉर्मली हर बंदा 12 से 15 बार पर मिनट ब्रीथ करता है, बट जब हम विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं सो ये 20 से 25 बार भी हो जाता है पर मिनट हमारी सांस लेने की कैपेसिटी. अब हम देखेंगे कि एक्सहेलेशन में हमारे लंग्स की क्या सिचुएशन होगी. एक्सहेलेशन के टाइम हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा और लंग्स जाएंगे अंदर की तरफ, क्योंकि हमने गैस को रिलीज आउट करना है, राइट. ये कंप्लीट प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, हम किस तरह रेस्पायर करते हैं. सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि रेस्पिरेटरी डिजीज कौन सी होती हैं और रेस्पिरेशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं. सो स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम. थैंक यू.